दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमतौर पर कोई इंसान 60 से 70 वर्षों तक जीवित रह पाता है या ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षों तक। लेकिन शायद किसी को भगवान ने कुछ अनोखे चीजों से बनाए होते हैं जो प्रकृति के नियम को भी चुनौती दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जो आया है उसका जाना तो निश्चित है, लेकिन कौन कब जाएगा ये कोई नहीं जानता। सब अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय तक जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कोई कर पाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको लेकर ये दावा है कि ये व्यक्ति लगभग 256 सालों तक जीवित रहे थे। तो इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम ली चिंग यू है और ये चाइना के रहने वाले हैं। वैसे इनके जन्म को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कई इतिहासकारों का कहना है कि ली चिंग का जन्म 3 मई 1677 को चीन के किजियांग जिले में हुआ था, जबकि अन्य इतिहासकारों का दावा है कि इनका जन्म साल 1736 में हुआ था। अगर 1736 में भी उनका जन्म मान लिया जाए तो वो 197 सालों तक जीवित रहे थे। ली चिंग का ज्यादातर समय पहाड़ों पर ही बीता था। जब वे केवल 13 साल के थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लगे थे। जंगलों में रहते रहते इन्हें आयुर्वेद का काफी ज्ञान हो गया था। इसके साथ ही इन्हें मार्शल आर्ट्स भी आती थी। ये एक प्रख्यात चाइनीज हर्बलिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट और सलाहकार थे। ली चिंग महज 10 वर्षों की उम्र से ही हर्बल मेडिसिन का बिजनेस करने लगे थे। इन्हें हर्बल के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल थी, इसलिए इन्हें 71 वर्ष की उम्र में चीनी सेना में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के तौर पर शामिल किया गया था। ली चिंग यू ने अपने पूरे जीवन काल में 24 शादियां की थी और इनके 200 से भी अधिक बच्चे थे। जब ये पहाड़ों पर से लौटकर आए थे तब इनकी उम्र 51 साल की थी और 78 वर्ष की उम्र में ये सेना से रिटायर हो गए थे। इससे पहले उन्होंने गोल्ड रिवर की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जब ली चिंग की उम्र 100 वर्षों की हो गई थी तब इन्हें शाही राजघराने से बधाई संदेश भेजा गया था। इसके बाद ली चिंग के 150वें और 200वें जन्मदिन पर भी शाही घराने की ओर से इन्हें बधाई संदेश भेजा गया था। 1908 में ली चिंग यू की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम द सीक्रेट ऑफ ली क्वीन इमोर्टिलिटी रखा गया। कहा जाता है कि ली ने जीने का मंत्र सीख लिया था और वे हमेशा निरोगी और फिट रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि ली ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 100 सालों में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचा। उसके बाद के 40 साल ली ने केवल जड़ी बूटियों के सहारे गुजारे थे। 6 मई 1933 को जब ली की मौत हुई थी तब उनकी उम्र 256 साल थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा था कि ली के पड़ोस में रहने वाले कई बुजुर्गों का कहना था कि जब उनके दादा लोग बच्चे थे तो वो ली चिंग को जगाते थे और उस समय भी ली चिंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। लोगों का कहना है कि ली चिंग की लंबी उम्र के पीछे का रहस्य उनकी लंबी नींद लेना था। वे कुत्ते जैसी नींद लेते थे, कबूतर की तरह बिना आलस के चलते थे, कछुए की तरह आराम से बैठते थे और अपने दिल को हमेशा शांत रखते थे। ली खुद ही मन और तन की शांति को लंबी उम्र तक जीने का सबसे बड़ा कारण मानते थे। दोस्तों, क्या आप भी ली की तरह लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।